मॉर्निंग में उठ के यही सवाल आता है दिमाग में, ऐसा क्या बनाया जाए जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आ जाए और एक ही रेसिपी में सबका निपटारा कर दिया जाए। तो आज हम आपके लिए क्या है, एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगी। बहुत ज्यादा चटपटी है, कुरकुरी है, करारी है और दूसरी बात, एक चम्मच तेल में तैयार है तो बहुत ज्यादा हेल्दी भी है, आप इसे दिल खोल के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली, आप चाहे तो मोटी वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट नहीं है, मुश्किल से 50 ग्राम है। नाप में एक कटोरी, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो एक बड़े साइज का बर्तन लेंगे, उसके अंदर अपनी हम सूजी को ट्रांसफर करेंगे फटाफट इस तरह से। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक अजवाइन, जिसको हम इस तरह से हथेली पे ले लेंगे और मसल कर डालेंगे। इससे अजवाइन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से निकल कर आता है डियर। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जितना नमक खाते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये गया हमारा 1/2 टीस्पून तक नमक, ज्यादा नमक हम नहीं डालेंगे। और अब अपने नाश्ते को हम फ्लफी और बहुत ही ज्यादा बाउंसी बनाने के लिए इसमें एक चम्मच डालेंगे दही, जिसमें बिल्कुल ही पानी नहीं होना चाहिए, बहुत ही गाढ़ा दही हमने डाला है और खट्टा दही होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच डालना। और अब हम सारी चीजों को अच्छे से पहले मिक्स करेंगे, ये देखिए। तो 1 चम्मच से ज्यादा दही नहीं डालना है अगर आपका खट्टा है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या सोडा भी डाल सकते हैं, 2 पिंच तक डालना, ज्यादा मत डालना। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से मिला दिया है। अब हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर का पानी लेंगे, ना ठंडा ना गर्म। तो यहाँ पे चम्मच को मैं साइड में कर देती हूँ और अब इसका हम एक आटा लगाएंगे। तो यहाँ पे जब हम सूजी का आटा लगाते हैं तो हमें ख्याल ये रखना चाहिए कि इस आटे में हमें बहुत कम पानी डालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा पानी हम ज्यादा ही डालेंगे, क्योंकि जब सूजी फूलेगी तो ये अपना सारा पानी इसके अंदर ले लेगी यानी समा लेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने हल्का सा ढीला डो बनाया है, बहुत ज्यादा टाइट नहीं। और आपको भी ये ख्याल रखना है, अगर आप पानी कम डालेंगे तो सूजी अच्छे से फूल नहीं पाएगी और नाश्ते का लुक नहीं प्यारा आएगा। ये देखिए, तो दही डालने से काफी ज्यादा मजेदार बनेगा और लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर पाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका एक आटा लगा लिया है सूजी का। अब मैं इसको कवर, तो फ्रेंड जब तक ये रेस्ट पे है हम चलते हैं दूसरा काम कर लेते हैं, इसको हम कवर करके साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, हमने एक कढ़ाई ली है, अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून तक ऑयल, बस इतना काफी है। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/2 टीस्पून तक डालेंगे हींग और 1/2 टीस्पून तक हम इसमें डालेंगे जीरा साबुत वाला, और दोनों चीजों को हमें 10 सेकंड चटका लेना है, काला नहीं करना है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीजें हमारी अच्छे से चटक गई है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज की प्याज, जो हमने इस तरह से कट कर ली है, इसको हम डाल देंगे। यहाँ पे हमने प्याज को मोटा मोटा कट किया है, अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा पिंक कलर आने तक भूनना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी प्याज हल्की सी लाइट पिंक हो चुकी है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसमें हम डालेंगे 1 शिमला मिर्च, जो हमारी छोटी शिमला मिर्च थी। अगर आपकी बड़ी शिमला मिर्च है आप लोग आधा डालना, और शिमला मिर्च को हम 10 से 15 सेकंड भूनेंगे। इसीलिए हमने प्याज को ज्यादा नहीं पकाया, क्योंकि शिमला मिर्च के साथ प्याज फिर से पकेगी, इसीलिए शुरुआत में आपको प्याज को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। और अब इसके बाद हमने लिया है 2 इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन इस समय सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है, अदरक का सेवन आपके शरीर को गर्माहट देता है और आपको ठंडी से बचाता है। तो अगर आपके पति मॉर्निंग में कहीं जाते हैं बाहर जॉब पे ट्रैवल करते हैं तो आप उनको अदरक जरूर गुड़ के साथ खिलाएं, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, मॉर्निंग में चटनी की तरह बनाकर उनको दीजिए। तो ये टिप थी, आप लोग माइंड मत करना, मैंने दे दी बातों वही बातों में मुझे याद आ गई। तो यहाँ पे देखिए वापस से हमने सारी चीजों को भून लिया है। अब इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्च, जो हमने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली, ये डाल देंगे। अगर आपका बच्चा हरी मिर्च नहीं खाता है तो आप इसको हटा सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा है तो जरूर डालना, इससे हरी मिर्च का जो टेस्ट है बिल्कुल अच्छे से उनको पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च को इसलिए डाला है ताकि अच्छे से भुन जाए, उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छे से निकल कर आए। और अब इसमें हम 3 चम्मच मटर डालेंगे, जो मैंने पैकेट वाला लिया है, फ्रोजन मटर है। अगर आपके पास मटर ना हो तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटर को 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश कर लिया था। तो कभी भी पैकेट वाला मटर इस्तेमाल करें तो 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश करें, वो भी नमक डाल के, ताकि जो उसमें केमिकल लगा हो वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है।
तो मैंने इसको उबाल कर डाला है, तो इसे कम टाइम पे भूनेंगे। अगर आपकी मटर कच्ची है, मैंने यानी अपने पैकेट में से निकाल के डायरेक्ट डाला है, तो आपको इसे 5 मिनट तक पकाना पड़ेगा डियर। तो फ्रेंड देखिए, 2 से 3 मिनट मैंने भून लिया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर 2 से 3 चुटकी, और इसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच भरकर डालेंगे चाट मसाला, जिससे ये चटपटा बने। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला ज़रा डाला है और आपको भी ज़रा डालना है। थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारे उस वाले मिश्रण में भी नमक है, तो हमें ख्याल रखना है कि ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कलर के लिए है, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अब सारे मसालों को हम वापस से भून लेंगे 10 से 15 सेकंड, ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल भी ना आए। और अब इसके बाद हम डालेंगे बच्चों की फेवरेट चीज़, वो है आलू। तो यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके गर्मा गर्म मैश कर लिया है हाथ से हल्का सा। आप चाहे तो इसको मैशर से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आलू आपका बिल्कुल अच्छे से उबला होना चाहिए। अब सारी चीज़ों को हम बढ़िया तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम बढ़िया से 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भूना है, ताकि जो जितनी भी नमी हो आलू की वो निकल जाए। अगर आपका आलू काफी ज्यादा चिपचिपा हो, तो आप थोड़ा सा इसमें बेसन भून के डाल सकते हैं, ताकि इसमें जितनी भी नमी है यानी मॉइस्चर है वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नाश्ते की जान, जो हम लोग की इंडियन की पहचान होती है, फ्रेश सारा धनिया। हम इंडियन लोगों का बिना धनिया के काम नहीं चलता है। कौन कौन धनिया लवर है कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है। धनिया को मैंने मोटा मोटा कट किया है, बहुत ज्यादा बारीक मत कट करना, नहीं तो धनिया का जो टेस्ट होता है वो अच्छे से निकल कर नहीं आता। तो धनिया डालने के बाद ज्यादा इसको भूनने की जरूरत नहीं है, वरना धनिया का कलर गंदा हो जाएगा यानी काला हो जाएगा। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे फटाफट ठंडा होकर ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए इसको ठंडा करके ट्रांसफर करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया, हम इसे छू पा रहे हैं। हल्का सा गर्म होगा तो चलेगा, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अब चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये हो गया है और हल्का सा टाइट हो चुका है। और अब हम इसको अच्छे से मत लेंगे, ताकि सूजी अपनी बिल्कुल हल्की सी चिकनी हो जाए, और फिर इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अब हम इसके इस तरह से पेड़े कट करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको ज्यादा बड़े बड़े नहीं करने हैं, हल्के से छोटे छोटे करने हैं, नींबू के आकार के। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। अब हम एक ले लेंगे और इसको हम इस तरह से करने के बाद हल्का हल्का सा फ्लैट करेंगे। आप चाहे तो नीचे ऑयल भी लगा सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपका बहुत ज्यादा चिपक रहा है। और अब हम इसकी एक कटोरी बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हमें किनारों को पतला करना है, बीच के हिस्से को मोटा करना है, यानी मोटा रखना है। अब इसके अंदर हम फिल करेंगे, तो चलिए फिल करते हैं। तो इस तरह से हम अपने चटपटे आलू को ले लेंगे, जितना आप चाहे इतना फिल कर सकते हैं, और आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से फिल किया है, और इसको हम इस तरह से अंगूठे से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ पुश करेंगे, और इसको हमें अच्छे से कवर करते हुए लॉक करना है, ये देखिए। तो आप चाहे तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, सल्लो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ही कम तेल में बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी, 1 चम्मच तेल में, जैसा मैंने वादा किया है। ये देखिए, इस तरह से हल्का हल्का सा मारिएगा, ताकि आपका जो मसाला है आलू वाला, वो सब जगह फैल जाए। आप चाहे तो इसमें पनीर भी भर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी भी तैयार करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने बना लिया है, देख लीजिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। ये देखिए, इस तरह से दोनों ही साइड मैंने अच्छे से इसे लॉक किया है, ये लीजिए, देखिए आप लोग, देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से आपको भी इसे अच्छे से लॉक करना है। और अब हम इसे बनाने के प्रोसेस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो बर्तन होता है, जिसमें इस तरह से होल होल होते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम इसे स्टीम करेंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसे प्लेट में भी स्टीम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इस पर ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, और इसको हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो ब्रश की सहायता से भी कर सकते हैं, मैं फिंगर की सहायता से कर ले रही हूँ। और अब हम इसको इस तरह से दूरी पे लगाएंगे, थोड़ी सी दूरी दूरी पे, एक साथ नहीं चिपकाने। और इतनी मजे की ये रेसिपी बनती है, आप लोग एक बार जरूर बनाना। तो चलते हैं गैस की तरफ, इसे बनाना शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक कढ़ाई ली है और उसके ऊपर हमें स्टैंड रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा यही इतना बड़ा है, अब इसके ऊपर हम रख देंगे। अगर आपका ये छोटा है तो आप स्टैंड रख के इसके अंदर रख सकते हैं। अब इसको हम कवर करके 5 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि इसको पास पास मत लगाना, इस तरह से दूरी पे लगाना। और इसको कवर करके हम 5 मिनट स्टीम करने के बाद आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है, ये बिल्कुल अच्छे से हो गया है और बहुत ज्यादा ये जल रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगी, पहले उतार लूंगी, हल्का सा ठंडा होने के बाद खोलूंगी, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। और आप भी स्टीम का ख्याल रखना, तुरंत आप मत खोलना नहीं तो आपके हाथ 100% जल जाएंगे। तो फ्रेंड अब मैं इसको खोलकर देखती हूँ, ये देखिए बिल्कुल अभी भी गर्म है लेकिन ये हल्का सा ठंडा हो गया। अब मैं इसको हटा लेती हूँ। तो ये देखिए कितने जल रहे हैं और कितने अच्छे से जब आप ऑयल लगा देते हैं तो ये छोड़ देते हैं, नीचे पकड़ते नहीं है। ये देखिए कितने आसानी से निकल आए और बिल्कुल अपने साइज से देखिए कितने फ्लफी बने हैं और बिल्कुल अच्छे से हो गए। अब इसको हल्का सा कूल होने देते हैं, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम इसमें थोड़ा सा तड़का लगा के इसे और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ये हल्का सा ठंडा हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है और देखिए कितने अच्छे से स्टीम हो गया। आप चलते हैं गैस की तरफ, तड़का लगाते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने सिर्फ डाला है 1 चम्मच तेल। तेल जब आपका बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तब तक आपको इंतजार करना है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून तक जीरा और जीरे को हम छिटकने देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कड़ी लीच यानी कड़ी पत्ते, जिसको हम अच्छे से चटका लेंगे 10 से 15 सेकेंड। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे यानी दरदरी कुटी वाली लाल मिर्च। और इसके बाद अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नारियल का बुरादा, जो ग्रेटेड नारियल होता है। अगर आपके पास ना हो तो आप इसके बिना ही बना सकते हैं लेकिन इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 बड़ा चम्मच डालना है भर के। थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला डालेंगे ताकि ये चटपटा बने, 2 चुटकी बस। सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे, तो जलाना नहीं है हमें इस तड़के को। तो ये देखिए मिक्स हो चुका है, अब हमारा तैयार नाश्ता हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। और इसी तरीके से हम इसको 1 मिनट रखेंगे एक साइड, फिर उसके बाद हम टर्न करेंगे। अब 1 मिनट हो चुका है, अब इसको हम पलट देंगे। एक साइड से ये रेडी हो चुका है, अब दूसरे साइड भी हम इसे 2 मिनट पकाएंगे और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे फटाफट। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में बन जाती है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए इसे दूसरे साइड से भी पका लेते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है, चलिए सर्व करते हैं, देखिए कितना सुंदर लुक आया है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा खूबसूरत सा नाश्ता, देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज्यादा हेल्दी है और 1 चम्मच तेल में मैंने इसे तैयार किया है। कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। और चलिए मैं आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कितने अंदर से ये अच्छे से कुक हुआ है। और ये देखिए जो हमने इसके अंदर आलू भरा था वो बिल्कुल अच्छे से आ गया है। तो यहाँ पे आप इसे चाय के साथ, केचप के साथ या फिर शेजवान चटनी के साथ, मोमोज चटनी के साथ दिखा सकते हैं। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी को फैमिली एंड फ्रेंड के साथ एंजॉय करना इस दिवाली में बनाना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। मिलते हैं बहुत ही आसान रेसिपी के साथ, तब तक इसे बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। आप इसे टिफिन बॉक्स में भी, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और आप इसमें और वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे एंजॉय करती हूँ, बहुत ही ज्यादा यम्मी लग रही है। बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल डियर।